मानव और कितना पतित होगा, मानव और कितना गिरेगा, कुछ समझ नहीं आता। गिरने की भी कोई हद होगी, आखिर वो हद कहाँ है, वो हद कब पूरी होगी, ये सोचकर अक्सर मन विचलित होने लगता है। असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता आदि प्रकार की समस्याएं निरंतर समाज में उभरती ही दिख रही हैं। यह समाज कैसे चलेगा? भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, हिंसा, हत्या, धर्म के नाम पर भी धर्म नहीं, सत्य के नाम पर भी सत्य नहीं, धर्म के कार्य होकर भी धर्म नहीं हो रहा। ये सब मानवता के दुखद पक्ष हैं, मानवता के नकारात्मक पक्ष हैं। छोटी छोटी बातों में ही अपने ईमान को छोड़ देना, असत्य की राह को चुन लेना, अराजकता की राह को चुन लेना, अशांति को चुन लेना, हिंसा, खून खराबी का रास्तों को चुन लेना, ये मानवता के नकारात्मक पक्ष हैं, पतन के बहुत बड़े बड़े कारण दिख रहे हैं, पतन के बहुत बड़े बड़े अवशेष दिख रहे हैं, परिणाम दिख रहे हैं। इन सभी के साथ जीवन नहीं चल सकता, मानवता नहीं चल सकती। इसलिए ही तो मैं कहता हूं कि मानवता अपने ह्रास की ओर बढ़ रही है, मानवता पतन की ओर बढ़ रही है। इसे रोकना होगा, इसे प्रयास करना होगा कि किसी भी प्रकार से ये नकारात्मक गतिविधियां कम हों, स्वार्थ सिद्धि की गतिविधियां कम हों, लालच द्वेष की भावनाएं कम हों। प्रयास तो करने होंगे। और यदि कोई यह सोचे कि मेरा इससे क्या लेना देना है, तो यह उस व्यक्ति की भूल है। आज कोई इसका भुक्तभोगी हो सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भुक्तभोगी होगा, परंतु कल या आज नंबर किसी का भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसी नकारात्मक समस्याओं को कम करना जरूरी है, तभी मानव सभ्यता बच सकती है, अन्यथा विनाश की ओर तो मानव सभ्यता जा ही रही है। यदि जा रही है तो उसे रोकने का प्रयास भी हम सबको ही करना होगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं बल्कि अभी इसके लिए प्रयासरत होना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में के बाद चक्कर में हम बहुत लेट हो जाएं।